परम पूज्य महाराज श्री के चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। प्रभु, स्थित प्राज्ञ कौन हो सकता है एवं जिसका योग सिद्ध हो गया है उसमें तथा स्थित प्रज्ञ में क्या अंतर है, साथ में योग सिद्ध कैसे होता है, इन दोनों गीता में दिए गए श्लोकों में सामंजस्य कैसे बैठता है या नहीं बैठता है, तो अंतर क्या है। श्लोक है स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधि केशव स्थित भी किम प्रभावित किमासीत जनित किम। 17वां श्लोक है कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न आवोदस्य योगो भवति दुःखतः। कृपया समझाने के लिए प्रश्न तो लंबा है, एक व्याख्यान में भी पूरा होने लायक तो नहीं है। गीता के दूसरे अध्याय में ये बात कही गई कि जो लोग कामनाओं के पीछे दौड़ते हैं सकाम, वे किसी निश्चय पर दृढ़ नहीं रह सकते। जहाँ जहाँ उनकी कामना पूरी होगी जिस जिस उपाय से वहीं वहीं जाएंगे और वही वही उपाय करेंगे। बहु शाखा ही अनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम यामिमां पुष्पिताम वाचम प्रवदन विवश्चित वेद बादरता अंधदस्ती कामात्मान स्वर्ग परा जन्म मृत्यु फल प्रदान क्रिया विशेष बहुला भोगैश्वर्य गति प्रति। ऐसे तो निश्चयात्मिका बुद्धि कैसे हो उसके लिए विचार का निरूपण किया। जो योगी हैं सांख्य विचारक हैं और एकाग्र चित्त हैं उनकी बुद्धि निश्चयात्मक होती है। देखो जिसकी बुद्धि में निश्चय पक्का नहीं होता है वो व्यवहार में भी सफल नहीं होता है, क्योंकि लोग उस पर विश्वास नहीं करते हैं। आज कुछ कल कुछ परसों कुछ, जो दृढ़ निश्चयी पुरुष होता है उसी को व्यवहार में सफलता मिलती है। और जो मन में आया मूड बदला वही करने लगे तो पता नहीं कब क्या मूड आ जाए। तो मूड में मूड की खराबी तो होती है, मूड भी होता है, मूडता भी होती है उसमें। अब आपको स्थित प्रज्ञ की बात स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्थ से केशव स्थिति किम प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत किम। इसकी व्याख्या में श्री मधुसूदन सरस्वती जी ने कहा कि स्थित प्रज्ञ दो तरह का होता है, एक तो जो समाधि में बैठा हुआ है सो समाधिस्थस्य और एक स्थिति किम प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत किम, उसका बैठना क्या है उसका चलना क्या है उसका बोलना क्या है। माने स्थित प्रज्ञ दो तरह का है, एक व्यवहार में स्थित है और एक समाधि में स्थित है। तो दोनों का लक्षण आप बताइए। अब दो प्रकार का स्थित प्रज्ञ हो जाने से जो असंगति पहले बताई गई थी ना, एक जोग युक्त होता है और एक स्थित प्रज्ञ, वो असंगति दूर हो गई, क्योंकि एक ही स्थित प्रज्ञ कभी समाधिस्थ होता है तो उसको योग युक्त कह दो और कभी वो व्यवहार में स्थित होता है तो जीवन मुक्त कह दो, स्थित प्रज्ञ कह दो। अब स्थित प्रज्ञ के लिए
एक बात आपको सुनाते हैं। गीता किसी मजहब का ग्रंथ ये न ग्रंथ है न पंथ है, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई मजहब नहीं है। बौद्ध, जैन, ईसाई, मुसलमान, पारसी, सिख, यहूदी, जिसमें श्रद्धा को प्रधानता न दी गई हो। हमारी पुस्तक पर, कुरान शरीफ पर श्रद्धा करो या हमारे आचार्य मोहम्मद साहब पर श्रद्धा करो और उनकी बात से अगर जरा भी इधर उधर टच मच हुए तो दोजख का दरवाजा तुम्हारे लिए खुला है, बहिष्ट में प्रवेश नहीं होगा, स्वर्ग में नहीं जा सकते, नरक में जाना पड़ेगा। गीता का कहना है कि जीवन में बुद्धि की प्रधानता होनी चाहिए। तो बुद्धौ शरण मन्विच्छ कृपणा फल हेतव, तुम बुद्धि की शरण लो। जो लोग संसार में त्याग करने में असमर्थ हैं, वे यही चाहते रहते हैं हमको ये मिले ये मिले ये मिले, तो मांगते हैं भिखारी हैं। एक कथा सुना दें, एक भिखारी का नियम था, महात्मा था, कि रोज जो उसको मिले उसी दिन खर्च कर ले। एक दिन उसको इतना मिला कि दो पैसा बच गया, तो उसने कहा इसको किस काम में खर्च करें। साथियों से, दूसरे भिखारियों से पूछा तो उन्होंने कहा कि हम तुमसे कोई गरीब थोड़े हैं, दो पैसे के लिए हम तुमसे भिक्षा लेंगे, दान लेंगे। किसी ने कहा किसी विद्वान से व्यंग कर दिया, किसी पंडित से जाके धर्मशास्त्री से पूछा, भाई हम तो दो रुपया दक्षिणा पहले देते हैं फिर धर्म की व्यवस्था देते हैं। फिर उसको मालूम हुआ कि कोई एक राजा दूसरे राजा पर आक्रमण कर रहा है, चढ़ाई हो रही है। क्यों हो रही है? कि वो बहुत धनी है, लूटेगा जाके। बोला कि तब तो गरीब होगा, क्योंकि युद्ध करने में लोगों का खून खराबा होगा, लोग मरेंगे, तो लोगों को मार के तकलीफ दे के जब वो धन चाहता है तो गरीब जरूर होगा। अब महाराज रास्ते में जाके बैठ गया, जब राजा की सवारी चली निकली तो उसने दो पैसा ले जाके उससे गोद में रख दिया। तो बड़ा आश्चर्य हुआ, राजा ने पूछा भाई क्या बात है? तो बोले महाराज हमको बहुत दिनों से खोज थी एक गरीब मिल जाए तो हम अपनी पूंजी उसको दे दें, सो हमें आपको, मैं गरीब हूँ। अरे भाई गरीब ऐसे नहीं होता है, गरीब होता है चतुर्भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला मनसिक परितुष्टे कोर्थवान को दरिद्र। जिसके हृदय में तृष्णा है, धन की प्यास है, उसी का नाम दरिद्र है। यदि मन संतुष्ट है तो गरीबी और क्या नाम है धन संपदा, इनका कोई भेद ही नहीं है। गोर्खवान को दरिद्र, तो कृपणा फल है तवा। जो दुनिया को पकड़ के बैठे हुए हैं और बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें हमें ये मिले ये मिले ये मिले, ये इच्छा बनी रहती है और उन्हीं का नाम असल में दरिद्र है, कृपण है। तो बुद्धि की शरण लेनी चाहिए, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा। अब आगे बताया कि यदि आप बुद्धि की शरण लेंगे तो पाप और पुण्य आपको नहीं लगेंगे। बुद्धि युक्तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृत। यदि मनुष्य बुद्धिमान हो तो पाप पुण्य को यही छोड़ के जाता है, लेके नहीं जाता है। बुद्धि युक्तो जहाती है, ऐसी बुद्धि होगी, ऐसी समझदारी से काम करता है कि न पाप लगे न पुण्य। और
वो काली की कोठरी में से होकर निकल जाए और एक रेखा भी काली के उसके ऊपर न लगे। समझदारी से काम करना चाहिए। बुद्धि युक्तो जहाती उभे सुकृत दुष्कृत। अच्छा ये भी बताया कि कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिण जन्म बंद विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्ति नामयम्। यदि तुम समझदारी से काम करोगे तो सुख दुख भी तुमको नहीं लगेंगे। ऐसी समझदारी से काम करते चलो कि सुख में फंसो मत और दुख से घबराओ मत। ये बात कब होगी? जब समझदारी बनी रहेगी। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः। तीसरी बात ये कही गई कि यदि तुम बुद्धि का आश्रय लो, समझदारी न छोड़ो। ओम नमः। तो श्रुति जिन प्रतिपन्ना ते जदा स्थास्यति निश्चला समाधा वचला बुद्धि। जब बुद्धि तुम्हारी निश्चल हो जाएगी तो ये जो तरह तरह की बात सुन करके और मनुष्य का मन डावाडोल हो जाता है ना, कभी इधर गया कभी उधर गया, जिस जो हवा बही उसी में उड़ गया, कभी उनके पीछे गया कभी उनके पीछे गया, कभी उस साधना में गया कभी उस साधना में गया, और तारीफ सुन सुन के जैसे आदमी दवा बदलता जाए ना या डॉक्टर बदलता जाए तो उसका जीना मुश्किल है। इसी प्रकार साधना में भी जो परिवर्तन करते जाते हैं सुन सुन के, तारीफ सुन सुन के, उनका किसी भी मार्ग में आगे बढ़ना संभव नहीं है। तो सुन सुन के तुम्हारी बुद्धि जो है वो प्रतिपन्न हो गई है, और यदि बुद्धि का आश्रय लोगे तो एक निश्चयात्मक स्थिति में पहुंच जाओगे। सब प्रज्ञ होने के लिए छह बात पर ध्यान देना जरूरी है। एक तो हमारे मन में कामना न हो, हम राम के अनुसार चले काम के अनुसार न चले, प्रजहाति जदा कामा। और दूसरी बात यह है कि जब दुख सुख हमें दुखे स्वनुद्विग्न मना सुखे सुख गतस्प्रिया, दुख आवे तो घबराओ मत, ये भी नहीं रहेगा जाएगा। पहले दिन दुख जितना बड़ा मालूम पड़ता है दूसरे दिन उससे छोटा हो जाता है, फिर उससे छोटा हो जाता है, फिर छोटा हो जाता है, और सुख आवे तो उसको पकड़ के रखो मत। दुखेशु अनुद्विग्रमना सुखेशु विगतस प्रिया, सुख को पकड़ने की कोशिश मत करो कि ये बना रहे, और दुख आवे तो घबराओ मत। एक महात्मा ऐसे कहते थे कि यदि तुम्हारे जीवन में सुख आवे तो उसको बांट दो, और दुख आवे तो उसको स्वीकार मत करो। मैं दुखी हूं ये अभिमान धारण मत करो। मधुसूदन सरस्वती ने इसकी व्याख्या में दुख के निमित्त सबके जीवन में आते हैं, और दुखाकार वृत्ति जब होती है तो भगवदाकार वृत्ति या ब्रह्माकार वृत्ति कर ली जाए तो वृत्ति भी नहीं होगी, परंतु दुख का जो अभिमान है कि मैं दुखी हूँ ये तो बिल्कुल बेवकूफी है, अविद्या है, अज्ञान है, भ्रांति है। उसको हम गवारू भाषा में उड़िया बाबा जी महाराज बेवकूफी बोलते थे, बेवकूफी नहीं बोलते थे, बेवकूफी बोलते थे। तो मैं दुखी हूँ इस बात को एक मिनट दो मिनट चार मिनट भी अपने मन में धारण करना ये भ्रांति है, भूल है, क्योंकि आत्मा सदा सुख स्वरूप है, सहज सुख राशि। दूसरी बात है। तीसरी बात हुई कि जीवन में अच्छे बुरे मिलते ही रहते हैं, तत्त प्राप्त शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि।
कोई अच्छी बात मिल गई, अच्छा आदमी मिल गया और उसके अभिनंदन में ही लग गए, और कोई बुरा आदमी मिल गया तो उसके पीछे ही पड़ गए कि इसको कदेड़ के छोड़ेंगे, तो इससे बचना चाहिए। कामना का परित्याग, दुख सुख में समता, और अच्छाई बुराई दुनिया में घटती बढ़ती रहती हैं, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष आते जाते रहते हैं, उनमें कहीं फंसना नहीं। और चौथी बात है कि जदा संघरते चायम पूर्वों गानी व सर्वथा, जब चाहे जब अपने हाथ को पांव को जबान को समेट कर बैठ जाए। और हम लोगों के गांव की तरफ जब पोखर में पोखर के किनारे कछुआ घुमा करते थे कच्छप, तो एक ढेला उसके ऊपर फेंकते थे, जो ढेला उसके पास पहुंचा झट अपना मुंह समेट के हाथ पांव समेट के वो अपने थाल के भीतर जो उनके पीठ की होती है बैठ जाते थे, फिर थोड़ी देर के बाद फिर चलते। तो अपने हाथ पांव जीभ विशेष करके रसनेन्द्रिय और जननेन्द्रिय ये दोनों अपने वश में होने चाहिए। ये नहीं कि कुछ दिन खाने छोड़ दिया कि जंगल में ही भाग गए। इंद्रियों को मारना नहीं है, उनको अपने काबू में रखना है। तो रसनेन्द्रिय माने जिससे हम रस लेते हैं स्वाद लेते हैं वो, और जननेन्द्रिय माने जिससे बच्चा पैदा करता है। ये दोनों इंद्रियां यदि वश में हो जाएं तो जितम सर्वम जिते रसे नारायण, फिर तो सभी इंद्रियों पर विजय प्राप्त हो जाती है। तो इंद्रियों को समेटने का सामर्थ्य। छठी बात है कि अपने स्वरूप का जब ज्ञान हो जाए परम दृष्टवा निवर्तते, तो संसार में राग द्वेष नहीं रहेगा और स्थितम प्रज्ञ हो जाएगा। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। और इसमें बाद में जो विघ्न है उनका वर्णन है, ध्यायतो विषयानस्य, और नारायण काम करने की प्रणाली है राग द्वेष युक्त विषयानिन्द्रियश्चरत, और समुद्र की तरह स्थित प्रज्ञ पुरुष अपने स्थान पर बैठा है। आपूर्जमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्र माप प्रविशंति तद्वत् कामायम प्रविशंति सर्वे। तो भोग स्वयं आते हैं महात्मा के पास, महात्मा में और व्यवहार में रहता है सब व्यवहार में, दोनों में उसकी समता बनी रहती है। एक बात योग युक्त के संबंध में जो पूछी गई युक्ताहार भी, अब इसमें भी देखो समाधि कहाँ है। ये तो कहते हैं कि आप जो आहार विहार करते हैं उसको संतुलित रखिए। आजकल जैसे कैलोरी गिनने को डॉक्टर लोग बताते हैं कि जो तुम भोजन कर रहे हो उसमें कितनी कैलोरी जाती है। हमको एक डॉक्टर ने बताया था कि 19-20 कैलोरी आपके लिए ठीक रहेगी, और हम जो खाते हैं उसमें 30-32 कैलोरी तक होती है। ये उन दिनों की बात है जब शुरू डायबिटीज हुआ था। तो जैसे कैलोरी गिन के रोगी को खाने को बताते हैं, वैसे हमारे शास्त्र के अनुसार भी ये भोजन जो है एक प्रकार की औषधि है। बोला भिक्षौषधम भुज्यताम, शंकराचार्य ने कहा कि ये दवा है, भोजन जो है ये भोग नहीं है, भोजन भूख रूप रोग की दवा है। एक गोली रोज ले ली और जैसे रोग दब जाता है वैसे 8 ग्रास रोज खा लिया और भूख दब जाएगी।
8 ग्रास खाने से 240 ग्रास महीने भर में होता है, चांद्रायण हो जाता है वो हर महीने में। हर महीने में चांद्रायण व्रत करते जाओ, 8 ग्रास रोज, 8 ग्रास रोज। तो युक्ताहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, परिश्रम भी जितनी शक्ति हो उतने ही करना चाहिए। आहार संतुलित हो और विहार जो है वो नियमित हो, और कर्म अपनी शक्ति के अनुरूप हो, और समय से सोवे और समय से जागे, जागने और सोने में समय हो। तो योगो भवति दुःखः, तो योग जो है वो दुख मिटाने वाला हो जाता है। नहीं तो देखा देखी करे योग और छीजे काया बढ़े रोग। एक हमारे मित्र थे तो भोजन के बहुत प्रेमी थे, तो जिस दिन अच्छा भोजन मिल जाए खूब कर लेते थे। फिर कहते अरे इसने तो बहुत अच्छा समझ के स्वाद आ जाने से बहुत भोजन कर लिया, हमारी बड़ी भारी त्रुटि है, गलती है, ये अब नहीं खाएंगे। तो 3-4 दिन भोजन छोड़ देते थे। अच्छा फिर 3-4 दिन के बाद जब फिर भोजन सामने आता और बढ़िया की जाती तो फिर खा लेते। तो उनको संग्रहणी हो गई हो, अभी तक वो संग्रहणी से जीवित है, पर अभी तक संग्रहणी से पीड़ित है। इसलिए नारायण जीवन में आहार की मात्रा चाहिए, विहार में नियम चाहिए, और शक्ति के अनुरूप ही कर्म करना चाहिए, और कब सोवे और कब जागे इसका नियम होना चाहिए। आजकल बड़े घरानों में मशहूर हैं भारतवर्ष में, उनके यहाँ नियम है कि 9 बजे रात को सब लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं, कोई बाहर नहीं रहेगा, और सवेरे 5 बजे सब उठ के नौकर भी आ जाते हैं, 5 बजे से पहले नौकर आ जाते हैं। हम रहते हैं उनके घर में, रोज देखते हैं कि अब 9 बज रहे हैं, बस प्रणाम किया महाराज प्रसाद दो, न दे तो मांग लेते हैं, और 9 बजे से पहले उठ जाते हैं, उठ जाके सो जाते हैं। और सवेरे 5 बजे महाराज आ जाए, तो अपने जीवन में जागने का, सोने का, टहलने का, खाने का और कर्म करने का एक नियम होना चाहिए, यही योग है। आपको ये सुनाने में हमको कोई संकोच नहीं है कि गीता में समाधि लगाने का नाम ही योग है, ऐसा नहीं है। वहाँ तो सिद्ध सिद्ध समो भूत्वा समस्तम योग उच्यते, योग कर्म सु कौशलम, कर्म करने की कुशलता का नाम योग है। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन, सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। योगी दो तरह के होते हैं, एक परम योगी और एक अपर योगी। बोले योगी तो वो है जो आँख बंद करके समाधि लगाता है, और परम योगी कौन है कि जो खुली आँख से देख रहा है और दूसरे के सुख दुख में उसको वैसी ही सहानुभूति है जैसे अपने ऊपर दुख आने पर वो उसको दूर करने का प्रयास करता है, वैसे दूसरे पर भी आने पर, और नारायण दूसरे अपने सुख में जैसे सुखी होता है वैसे दूसरे के सुख में, उसका नाम परम योगी है। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुःखम स योगी परमो मतः। इसलिए गीता में स्थित प्रज्ञ और योगी में कोई अंतर नहीं है,
इसमें कोई असंगति या विसंगति नहीं है। आप काम करते हुए भी, व्यवहार में रहते हुए भी योगी हो सकते हैं। प्रश्न करने से पहले एक आदेश हुआ है कि सत्संगी भाई जिनकी गाड़ियाँ नंबर है MAS 7840 MPD MMF 7 MA 2 3 6 MRS 3 6 5 2 जहाँ पर भी हैं वो 8:30 बजे से पहले अपनी गाड़ियाँ निकाल दें। कहाँ से निकालते हैं, कहाँ रखती है, जो उनको ही मालूम है। तो जैसा भी हो उसकी व्यवस्था कर रहे हैं, क्षमा करा दी उन सबको, ग्रंथ के लिए योगदान बढ़ा दी है। अभी एक प्रश्न, एक बहन कर रही है कि तत्व का पुनर्जन्म नहीं होता, इसका कोई प्रमाण भी है या केवल किताबों में लिखा है, क्योंकि किताबत तो सभी मनुष्य की कल्पना है, कृपया इस संशय को भी जरा दूर करें। ये तो बहुत बढ़िया बात है, तत्व ज्ञानी पुरुष का पुनर्जन्म नहीं होता, इसके लिए आप थोड़ा वेदांत का विचार किया कीजिए, आपके हृदय में जिज्ञासा का उदय हो। वैसे जल्दी ये बात समझ में आने की तो नहीं है, जिसके लिए चाहिए विवेक, आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, इसके लिए चाहिए अनात्मा से वैराग्य, इसके लिए चाहिए काम क्रोध की शांति, इंद्रियों का दमन, दुख सहने की शक्ति, कर्म से उपरति, सत्पुरुषों पर श्रद्धा, समाधान, मुमुक्षा, उसके बाद गुरु की शरणागति, फिर श्रवण, फिर मनन, फिर निधिध्यासन, साक्षात्कार, सब मालूम पड़ता है कि तत्वज्ञ का पुनर्जन्म नहीं होता है। पर आपको एक तर्क की बात सुनाते हैं, आपको पुनर्जन्म होता है ये कैसे मालूम होता है? आपको अपने पूर्व जन्म की याद आती है, वो तो कल्पना है, और आपने कहीं किताबों में पढ़ा है कि पुनर्जन्म होता है, तो जब किताबों में पढ़ के आपने पुनर्जन्म मान लिया ना, तो किताबों में पढ़ करके उसकी निवृत्ति क्यों नहीं मानते? कहो कि आजकल पराविद्या का अनुसंधान हो रहा है, उसके तो हम 100 कारण बता सकते हैं कि एक सिर में भी कई कई मस्तिष्क होते हैं, और उसमें कभी कोई जाग जाता है, कभी कोई जाग जाता है, कि जो बीज के कण होते हैं उनमें एक एक कण में संतानोत्पादन की शक्ति होती है, और तो बहुत सारे व्यर्थ चले जाते हैं, तो वो सब के सब चेतना लेकर के आते हैं, और किसी किसी के शरीर में उनमें से कई कण जागरूक हो जाते हैं और अलग अलग वे कल्पनाओं से भर जाते हैं। तो पुनर्जन्म जो है ये भी शास्त्रिक गम्य ही है। अब एक बात देखो, चार बात जो है वो न पूर्व जन्म मानते हैं और न उत्तर जन्म, केवल एक ही जन्म मानते हैं, ये जो हुआ है। मुसलमान और ईसाई कहते हैं कि पहले तो जन्म नहीं था पर ये जन्म मिला है, और आगे हम नरक या स्वर्ग में जाएंगे, दूसरा जन्म तो नहीं होगा पर नरक या स्वर्ग में हमेशा के लिए भेज दिए जाएंगे। वे पूर्व जन्म नहीं मानते
उत्तर काल में आत्मा का अस्तित्व मानते हैं, जैन और बौद्ध पुनर्जन्म मानते हैं, पूर्व जन्म भी मानते हैं और उत्तर जन्म भी मानते हैं, सिख भी पूर्व जन्म और उत्तर जन्म मानते हैं, पारसी पूर्व जन्म नहीं मानते उत्तर जन्म मानते हैं, यहूदियों की भी यही दशा है। नारायण और हमारा जो भारतीय धर्म है उसमें पुनर्जन्म मानने का कारण क्या है? इस जन्म में जो मनुष्य सुखी दुखी हो रहा है इसका कोई कारण पूर्व जन्म का होना चाहिए, क्योंकि इसी जन्म के सब कर्मों का फल मिलता हो ऐसा तो सिद्ध नहीं होता, और इस जन्म में जो कर्म हम कर रहे हैं उनके फल अगर इस जन्म में नहीं मिलते हैं तो अगले जन्म में मिलेंगे, और यदि ऐसा न माने तो अकृताभ्यागम और कृत विप्रहास नाम का दोष प्राप्त होता है और ईश्वर में विषमता और निर्घृणता नैर्घृणीय और वैषम्य दोष की प्राप्ति होती है, इसलिए पुनर्जन्म को स्वीकार करना चाहिए। अब शास्त्रों में ही पुनर्जन्म का और नरक का और स्वर्ग का वर्णन आता है, तो यदि उसी में ये भी लिखा हो कि तत्व ज्ञान होने से पुनर्जन्म की निवृत्ति हो जाती है तो आपने जहाँ से पुनर्जन्म स्वीकार किया है वही के अनुसार पुनर्जन्म न होने को भी स्वीकार कर लीजिए। अब एक बात दूसरी है कि ये जो मुक्ति है माने फिर तत्वज्ञानी का जन्म न होना है, ये तो तत्वज्ञानी को इसी जीवन में प्रत्यक्ष हो जाता है, अपरोक्ष हो जाता है कि हमारा जन्म है कि नहीं है। तो ये जन्म की जो भ्रांति होती है वो अपने स्वरूप का बोध होने से मिट जाती है। तो ये जो जन्म मरण की भूल है, जन्म मरण की भ्रांति है, सर्गे पितों को जायते प्रलय नव्य भ्रांति च, ये जो गीता में है इलाम क्या है, परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यद ज्ञातवान भूयो यद ज्ञातव्य मोचिष्यते। तो सर्गिदं ज्ञान उपाकृत्य मम साधर्म भागता सर्गे की नोप जायते प्रलय नम जन्मति च, श्रुति है न सब पुनरावर्तते, तत्व ज्ञान का पुनर्जन्म नहीं होता, तत्व ज्ञानी का पुनर्जन्म नहीं होता। और नारायण सूत्र है ब्रह्मसूत्र अनावृत्ति शब्दा, अनावृत्ति हो जाती है उसको फिर आना जाना नहीं पड़ता। तो तत्वज्ञ को इसी जीवन में ये अनुभव हो जाता है कि मेरा जन्म मरण नहीं है, अंतकरण में जो परिवर्तन होते हैं उनको मैं मेरा स्वीकार करके, अंतकरण से तादात्म्य स्वीकार करके मैंने भ्रांति से अपने में जन्म मरण माना था और अपने स्वरूप के बोध से मुझ में जन्म मरण नहीं है। तो ये किताबों में लिखा हुआ नहीं है, यदि आप तत्व ज्ञान के लिए प्रयास करें तो इसी जीवन में आपको अनुभव हो जाएगा कि आत्मा का जन्म और मरण नहीं है, और प्रयास नहीं करेंगे केवल किताबों में ढूंढेंगे तो ऐसी भी हम बहुत सारी किताबें बता दे सकते हैं जिनमें ये लिखा है कि आपका यही जन्म नहीं है, जिनमें ये लिखा है कि पुनर्जन्म होता ही नहीं है, तो ऐसी किताबों को पढ़ करके तो आप किसी निश्चय पर नहीं पहुंच सकते। यदि आपके मन में उत्साह हो और अनुभव करने की इच्छा हो तो आइए इस रास्ते पर चलिए, केवल लिखा लिखाया नहीं, आप अपने अनुभव में ही देखेंगे कि आपका जन्म और मरण नहीं है, ये साक्षात परोक्ष वस्तु है।
ये स्वर्ग के समान परोक्ष नहीं है और घटपट के समान प्रत्यक्ष नहीं है, ये तो अपने होना के होने के समान, अपनी सत्ता के समान, अपनी ज्ञान रूपता के समान, अपनी प्रिय रूपता के समान ये साक्षात परोक्ष है कि तत्वज्ञानी पुरुष का जन्म मरण नहीं होता है। और आप तत्वज्ञानी हो जाएं, ईश्वर कृपा करे तो आपको भी अनुभव हो जाएगा। तो कोई बहन पूछे है कि उपासना संबंधी प्रश्न के ऊपर में कल आप श्री ने बताया कि गुरु में मनुष्य बुद्धि हो तो वह उपासना की चर्चा में नहीं आता और गुरु की उपासना करने के लिए अपने मन को कहाँ ले जाकर बैठा है जहाँ गुरु बैठता है तो जानने और चाहने पर भी गुरु से पूर्ण ईश्वर मुक्ति क्यों नहीं होती है और कैसे हो सकती है कृपा करके समझाएं। आपने ये भी बताएं अपने मन को जहाँ दूर बैठे हो वहाँ कैसे ले जाकर बैठा है। एक सज्जन किसी महात्मा के पास गए तो महात्मा से उन्होंने पूछा ध्यान कैसे करें, तो उन्होंने कुछ राम कृष्ण का ध्यान बताया। अब वो सज्जन जब ध्यान करने के लिए जाके बैठे तो राम कृष्ण का ध्यान ना आवे, विष्णु शिव का ध्यान ना आवे, तो घबरा के आए महात्मा के पास। महाराज को तो आपने जो बताया उसको ध्यान नहीं लगता है। महात्मा ने कहा फिर आखिर होता क्या है। तो बोले हमारी भैंस बहुत प्यारी थी और वो मर गई, तो जब मैं ध्यान करने बैठता हूँ तो वो भैंस ही मेरे ध्यान में आती है। गुरु जी ने कहा बहुत बढ़िया, अब देखो तुम भैंस का ध्यान करो और देखो भैंस के पांव हैं नारायण, उसकी सींग है, उसका मुंह है, पीठ है, पूंछ है काली काली, इनमें से भैंस किसका नाम है। हड्डी मांस चाम के ढेर का नाम भैंस है कि उसमें जो सांस चलती है उसका नाम भैंस है कि वो जो नारायण अपने बच्चे को चाटती है प्यार करती है उसका नाम भैंस है। भैंस की जीत बहुत मुलायम होती है, आप लोगों को तो अनुभव नहीं होगा सभी लोग हैं। गाय की जीत बहुत खुरदरी होती है, चाटे तो काम चल जाती है और भैंस की जीत इतनी मुलायम होती है कि मन होता है कि चाटती रहे। हमने तो भैंस वैंस दुही है पहले है ना, तो नारायण गाय भी दुई है भैंस भी दुई है, खेती का काम भी किया है। तो अब वो भैंस क्या है, भैंस में जो प्यार है उसका नाम भैंस है, तो भैंस में जो बुद्धि है कि देखो अब ये इधर से शेर आ रहा है भाग जाए तो बच जाएंगे, उस बुद्धि का नाम भैंस है। और जब वो नारायण खा पी के बैठती है और भागवत करने लगती है मौज से फिर निकाल निकाल के और फिर खाती है तो उसके नारायण आनंद का नाम भैंस है। आखिर भैंस क्या है तुम निश्चय करो। अब वो महाराज सोचने लगा, जब सोचने लगा तो भैंस कटते कटते हड्डी मांस कट गया, सांस कट गई, उसकी आंख कान नाक कट गई, नारायण उसका प्यार कट गया, उसकी समझदारी कट गई और उसकी जो प्रियता थी वो भी जो बाहर से आती थी वो कट गई। ये अच्छा तुम भैंस का तो ध्यान कर आए, जरा अपने बारे में तो देखो कि भैंस की हड्डी मांस तो वो नहीं है तुम हो, कच्चा भैंस की सांस नहीं है भैंस तो तुम हो। तो असल में क्या प्रश्न था, उपासना है। अब गुरु की स्थिति जो है नारायण, जब तुम
गुरु के बारे में विचार करोगे, इनका शरीर चिन्मय है, दिव्य है, तो दिव्यता चिन्मयता का चिंतन करते करते तुम्हारा मन भी दिव्य और चिन्मय हो जाएगा, तुम भी अपने शरीर को भूल जाओगे। हे समापत्ति बोलते हैं इसको, हे आकार समापत्ति हो जाएगी, और तब तुम देखोगे कि गुरु को साक्षात परमात्मा के स्वरूप में बैठा है, और उसी समय तुम्हें अपने परमात्मा जितना जितना अपनी अपने सूक्ष्म स्वरूप का ज्ञान होगा उतने उतना गुरु के सूक्ष्म स्वरूप का ज्ञान होगा। जब तक तुम अपने को हड्डी मांस समझ रहे हो तब तक गुरु में भी हड्डी मांस की बुद्धि होना संभव है, परंतु भाव से जैसे आप जयपुर की बनी हुई शिव या विष्णु या कृष्ण या राम की मूर्ति को साक्षात भगवान मानते हैं, जैसे आप सालग्राम की शिला को, गंडकी शिला को जैसे आप सालग्राम विष्णु मानते हैं, जैसे आप नर्मदा की शिला को आप अपनी श्रद्धा से साक्षात शंकर मानते हैं, शिवलिंग, इसी प्रकार यदि मनुष्य के रूप में दिखते हुए गुरु को भी आप भाव से पहले दिव्य रूप में देखिए और उनकी जो क्रिया है उनको कर्म के रूप में नहीं लीला के रूप में देखिए, तो जितनी जितनी सूक्ष्मता आपके आत्मा में बढ़ेगी उतने ही उतना गुरु का सूक्ष्म रूप दिखाई पड़ेगा। झंडा गाड़ो जाए के हद बे हद के पार, हद बे हद के पार दूर जहाँ अनहद बाजे, न रहे हद बे हद के पार है चौकी कहा हमार, जो हद बे हद के पार है उसमें हमारी चौकी हमारी बैठने की जगह है। तो प्रसाद को भोजन समझना अपराध है और मूर्ति को जड़ समझना पत्थर समझना अपराध है और गुरु को मनुष्य समझना भी अपराध है, ये उपासना के ग्रंथों में इस प्रकार का वर्णन आता है। जैसी जैसी आपकी श्रद्धा बढ़ेगी समझ बढ़ेगी और अपनी स्थिति जैसे जैसे होती होती जाएगी वैसे वैसे आप अपने सद्गुरु के आसन के पास जाके बैठ जाएंगे और उपासना हो जाएगी। तो आखिरी प्रश्न दोस्तों, आपका जो डिजाइन है कि कल आपने बताया था कि भागवत के महात्म्य 100 वर्ष पहले लिखे हुए परंतु पुराण और कल पुराण में भागवत महात्म्य है, ये दोनों पुराण 1000 वर्ष पुराने हैं, 100 वर्ष पहले लिखा हुआ भागवत महात्म्य इन पुराणों में कैसे आए, कृपया समझने की। जहाँ तक मैंने पद्म पुराण पढ़ा है और स्कंद पुराण भी पढ़ा है, दोनों में ये महात्म्य मूल ग्रंथों में नहीं मिलते हैं, और सत्यनारायण की कथा जो आजकल होती है वो भी स्कंद पुराण रेवा खंड है ना, हाँ हाँ हाँ, वो भी स्कंद पुराण में, रेवा खंड की तो बातें छोड़ो, पूरे स्कंद पुराण में नहीं है, परंतु ये है सब पुराने, इसमें कोई शंका नहीं है, जिसका संपादन समय समय पर होता रहता है। भागवत के महात्म्य में जितनी भी बातें कही गई हैं, वो सब भागवत के मूल में भी हैं। भक्ति के पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य, ये बात भी भागवत के मूल में है, नारायण, और मूल के आधार पर ही ये ग्रंथ लिखे गए हैं, और इनमें कुछ शब्दों के ऐसे प्रयोग हैं जो श्री वल्लभ संप्रदाय और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय के शब्द आते हैं। तो हम अपनी बात वापस ले लेते हैं, क्योंकि वो 100 वर्ष वाली जो 150 वर्ष वाली बात है उसको हम वापस ले लेते हैं, क्योंकि वो तो पुलिस का तो नियम ये होता है कि जो पहले रिपोर्ट लिखा गए है ना,
वो समझता है कि हम विजयी हो जाएं, तो जो पुरानी पुस्तक होगी वही सर्वश्रेष्ठ होगी, ये भी एक धारणा है। तो आपकी धारणा बनी रहे कि वो बहुत पुरानी पुस्तक है, लेकिन पुस्तक चाहे पुरानी हो चाहे नई, और रिपोर्ट चाहे पहले लिखाई गई हो चाहे बाद में, उसमें जो सत्य होता है उसको स्वीकार करना पड़ता है। तो ये जो महात्म्य है, इनमें भक्ति के जो दो पुत्रों का वर्णन है, ज्ञान और वैराग्य, वो एक सत्य है, एक अनुभव सिद्ध बात है। इसलिए वो चाहे पुराना हो कि नया, इसमें हमको किसी प्रकार का संदेह नहीं है। आज भी जो महात्मा लोग कहते हैं अनुभव से कहते हैं, और वो सच होता है। सुनो, एक बात सुनाते हैं। जमुनालाल बजाज ने बरखा में एक मंदिर बनवाया, और मंदिर बनवाने के बाद उन्होंने चिट्ठी लिखी डॉक्टर भगवान दास को, जो यहाँ श्री प्रकाश जी थे ना राज्यपाल, इसके पिता, इनके पिता थे डॉक्टर भगवान दास, वो एशिया के विद्वानों में एक माने जाते थे, कि आप कोई ऐसा श्लोक लिख के भेजिए जिसमें हरिजनों के मंदिर में प्रवेश करने का वर्णन हो, तो इस मंदिर पर हम लिखवा दें। तो डॉक्टर भगवान दास ने एक नया श्लोक बनाया और भेज दिया। जमुनालाल बजाज ने पूछा कि ये पुराना है कि नया है, तो डॉक्टर भगवान दास ने कहा कि ये आप लिखवा दीजिए इसको, है ना, 200 वर्ष बाद यही पुराना समझा जाएगा। तो ये पुराने नए की बात है। अब कानपुर में जो जेके वालों का मंदिर बना है, उस पर श्लोक पर श्लोक लिखे हुए हैं, और उनमें से कितने मेरे बनाए हुए हैं और कितने पुराने हैं, इनको मैं जानता हूँ। और गीता प्रेस से एक सुप्ति सुधाकर नाम की पुस्तक पहले छपी थी, तो उसका संपादन पंडित राम नारायण शास्त्री ने किया नारायण। अब उन्होंने कितने श्लोक अपने बना के उसमें रखे हैं और कितने पुराने हैं, इसको पहचानना बड़ा कठिन है। तो हो बाबू, बात सच्ची होनी चाहिए, अनुभव की होनी चाहिए, खुली होनी चाहिए, वो चाहे पुरानी हो कि नहीं, इस पर मत जाइए। पुराण मित्ते वन साधु सर्वम नचापि सर्वम नवमित्यवद्यम संत परीक्षान्यतर भजन्ते मूढ़ पर प्रत्यय नेय बुद्धि। कालिदास का श्लोक है कि कोई बात पुरानी होने से ही अच्छी नहीं होती, और कोई बात नई होने से ही बुरी नहीं होती। जो सत्पुरुष है उस बात की परीक्षा करते हैं, और यदि वो चाहे सत्य चाहे पुरानी हो चाहे नई हो, यदि सत्य और अनुभव की बात कहने वाली है तो उसको स्वीकार करते हैं नारायण। और मूढ़ पर प्रत्यय बुद्धि, और जो मूढ़ है स्वयं समझ नहीं सकता, सोच नहीं सकता, वो दूसरे की अक्कल के अधीन होकर के पराधीन होकर के चलता है। देखो, एक बचपन की बात है, हम लोग 19-20 वर्ष के तो होंगे ही होंगे, एक संप्रदाय के आचार्य को हमने चिट्ठी लिखी कि हम आपके पास आकर आपके मत का अध्ययन करना चाहते हैं। संत थे, तो उनका उत्तर आया कि देखो तुम आओ किसी से और हम तुम्हें अपना मत समझा लेंगे, परंतु ये शर्त है कि यदि हमारा मत तुम्हारी समझ में आ जाए तो अब तक जो तुमने माना है उसके विपरीत उसको छोड़ने के लिए तैयार हो कि नहीं, और यदि तुम अपनी मान्यता पर ही अड़े रहना चाहते हो
हमारी समझाई हुई बात को स्वीकार नहीं करते हो तो हमारे पास आके काय को गल कुचन करवाते हो, हमारा समय भी व्यर्थ जाए तुम्हारा समय भी व्यर्थ जाए। तो यदि हम तुम्हारी समझ में अपनी बात भर दें तो तुम उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाओ। तो नारायण आज भी महात्मा होते हैं, वैसे ही महात्मा होते हैं जैसे पुराने समय में थे, और कई तो बहुत बड़े महात्मा होते हैं, ब्रह्मानुभूति संपन्न महात्मा वो जो कहते हैं नारायण परिचरितव्या संतो यद्यपि कथयन्ति नो बहुपदेशम। संत की सेवा करने के लिए वो उपदेश करे कि न करे, यास्ति साम स्वैर कथा तायेव भवन्ति शास्त्राणि। संतों की जो स्वच्छंद वाणी है उसी से शास्त्र बनते हैं। इसलिए नारायण आगे पीछे के चक्कर में न पड़ के उसमें जो सत्य है उसको स्वीकार करना चाहिए। भाषा बनती बिगड़ती रहती है और भाषा के द्वारा अध्ययन भी होता है कि कौन पुरानी है और कौन नई है नारायण, और उसमें जो बात कही गई है वो सच होनी चाहिए और युक्तियुक्त होनी चाहिए। युक्तियुक्त मुपादेयम वचनम बालकादपि अन्य तृणनिवत्याज्यम अभ्युक्तम पद्मजन्मना। जो युक्तियुक्त बात हो उसको स्वीकार करना चाहिए। बालक ने कहा तो क्या हुआ, और भले ब्रह्मा जी कहें और युक्ति विरहित बात हो तो उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए। केवलम शास्त्र आश्रित्य न कर्तव्यो विनिर्णय, युक्तिहीन विचारे युक्तिहीन विचारे तो शास्त्र अनिष्प्रजायते। नारायण केवल किताब में लिखी लिखी बात देख करके निर्णय नहीं करना चाहिए। यदि युक्तिहीन निर्णय कर लोगे तो उससे तो शास्त्र की ही बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। आपको एक उदाहरण देके सुनाते हैं। आपका पति है ना, पत्नी का पति है, बहुत प्यारा है, धर्म के अनुसार है, और पति की आज्ञा का पालन करना पत्नी का धर्म है, परम धर्म है। लेकिन यदि पति कहे कि तुम परपुरुष के साथ जाकर शयन करो तो नहीं जाना चाहिए, पति की आज्ञा नहीं माननी चाहिए। तो क्यों? तो पति पत्नी का संबंध जो विवाह हुआ है वो धर्म के पालन के लिए हुआ है। यदि उसी धर्म का उल्लंघन करने के लिए पति आज्ञा देता है तो उसकी आज्ञा को स्वीकार करना धर्म नहीं है। इसलिए सभी धर्माधर्म का निर्णय विचार पूर्वक होता है और वो अनुभवानुरूढ़ होना चाहिए। तो ये महात्म्य जो पहला है पद्म पुराण वाला, इसमें तो जितनी भी बातें कही गई हैं वो सब की सब भागवत मूल में ही मिलती हैं। उनको मैंने ढूंढ ढूंढ के निकाला है ना। और दूसरी जो है, दूसरा जो स्कंद पुराण के नाम से प्रकाशित हुआ है नारायण, उसकी मूल बातें भागवत में नहीं मिलती हैं। और एक नारद पुराण में भी है महात्म्य, और एक बृहन्नारदीय में भी है, दूसरे पुराणों में भी है, परंतु वो महात्म्य के बारे में बहुत कुछ विचारणीय है, बहुत कुछ अनुसंधेय है। आप ऐसे वर्षों के चक्कर में मत पड़िए, जरा अंतर्मुख होकर विचार कीजिए।